आम तौर पर समय के अभाव में असमय खानपान से आम जन अनेक शारीरिक बीमारियों से जूझ रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बीमारी पाइल्स है, जिसका इलाज कराने के लिए आम जन काफी परेशान है। इसी को लेकर खरगोन में विश्व पाइल्स दिवस के अवसर पर हिमालय कंपनी के तत्वावधान में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने और पाइल्स जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए प्रशिक्षण सहित आयुर्वेदिक रामबाण औषधियों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस दौरान आयुष विभाग के डॉक्टर वासुदेव असलकर ने बताया कि शिविर के माध्यम से पाइल्स जैसी नासूर बीमारी से निजात दिलाने और आमजन की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर शिविर का आयोजन किया गया है। खरगोन से तिवारी की रिपोर्ट। विश्व पाइल्स दिवस है, इसके उपलक्ष्य में आयुष विभाग खरगोन द्वारा हिमालय कंपनी के सहयोग से ये शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर में पब्लिक को, आम पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है। बवासीर एक विश्व की समस्या बनती जा रही है, विश्व स्तर की डिसीज बनती जा रही है, तो इसके माध्यम से है जागरूक किया जा रहा है आम पब्लिक को। निःशुल्क हमारे चिकित्सकों द्वारा परीक्षण किया जा रहा है, उसके पश्चात उनको निःशुल्क औषधि वितरण की जा रही है। साथ ही साथ इसमें आज के इस शिविर में आयुष विभाग आयुर्वेद द्वारा जिला चिकित्सालय में एक काढ़े का वितरण भी किया जा रहा है, जो कि कल से स्टार्ट किया है और ये 23 तारीख तक चलेगा। सुबह 8 बजे से लगा के 11 बजे तक इसका वितरण किया जाता है। इस काढ़े के पीने से क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे मौसमी बीमारियों से लड़ने की ताकत हमें मिलती है। इसलिए आम पब्लिक को इसका अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, तो बहुत फायदेमंद है। ये बवासीर को लेकर आजकल लोग बहुत परेशान है, इलाज नहीं हो पाता उनका, जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन का कुछ इलाज है क्या, इसके उपाय होना चाहिए क्या करना चाहिए? पाइल्स का? हाँ नहीं, पाइल्स का तो हमारे पास परफेक्ट इलाज है, हमारी मेडिसिन। पाइल्स क्या है कि आज की जो दिनचर्या है वो व्यक्ति की बदल गई है, तो समय से उसका सोना, उठना, जगना, आहार विहार ये सब सारी चीजें बदल गई है। उसका मेन कारण क्या, डाइजेशन से है। डाइजेशन ठीक न होने की वजह से पाइल्स होती है, और इसके पश्चात पाइल्स होने के पश्चात पाइल्स एक ऐसी एक शत्रु की तरह बीमारी है। एक तरह से शत्रु तो दिख जाता है, जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल शूल की तरह व्यक्ति के पीछे रहती है। और ये आयुर्वेद में इसका परफेक्ट इलाज है। हम लोग जैसी भी कंडीशन रहती है उसको या तो मेडिसिन से ठीक कर लेते हैं, यदि नहीं तो मेडिसिन के पश्चात यदि मस्से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारे पास छाया सूत्र है, जो छाया सूत्र के माध्यम से, जैसा मान लो मस्सा है तो इसको हम जड़ से छाया सूत्र बांध देंगे और इसको 7 दिन बाद अपने आप कट हो जाता है, अपने आप हीलिंग हो जाती है। तो छाया सूत्र के माध्यम से भी इसका हम उपचार करते हैं। आयुर्वेद में पाइल्स का परफेक्ट इलाज है। क्या नाम सर आप? मैं डॉक्टर वासुदेव असलकर, जिला आयुष अधिकारी खरगोन। मतलब रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ाने के लिए है, क्योंकि सीजन में आप देख रहे हैं डेंगू मलेरिया ये सब बीमारियां भी होती है, तो इससे रेजिस्टेंस पावर मतलब प्रतिरोधक शक्तियां बढ़ जाती है, तो इससे बीमारियों से लड़ने की शक्ति पैदा होती है, ऐसा आयुर्वेदिक अधिकारी ने भी बताया। और ये हर, चूंकि ये अपना पुराना ये सिस्टम भी है, लोग अपने को काढ़ा वगैरह पीना है तो ये पिलाना चाहिए और पीना भी चाहिए, जिससे हम लोग भी यहाँ पर, हमारा टीम भी यहाँ पर आके पी चुकी है और हम सभी को चाहते हैं कि सभी आके लें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।